हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेहा फैशन हॉलिक। तो आज हम सीखेंगे पजामे की कटिंग विथ पॉकेट, और इसकी नेक्स्ट वीडियो में मैं इसकी स्टिचिंग बताऊंगी, जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप लोग चेक कर लेना। और जो ये आप शर्ट देख रहे हैं, इसकी वीडियो भी मैंने अपलोड की हुई है, उसका भी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, अगर आप बनाना चाहते हैं तो आप चेक कर सकते हैं। तो चलिए हम अपनी वीडियो स्टार्ट कर। पजामा बनाने के लिए मैंने 2 मीटर कपड़ा लिया है, जिसको मैंने ऐसे डबल फोल्ड में बिछा लिया है। और अब जो ये आप किनारी देख रहे हैं, इसको मैं कट कर कर निकाल दूंगी, क्योंकि बाद में ये सिकुड़ती है, इसलिए हमें हमेशा जब भी हम कुछ सिलें तो हमें किनारियों को कट कर देना चाहिए। तो ये देखिए, मैंने किनारी को कट कर कर निकाल दिया है। अब हम पजामे की बेल्ट का निशान लगाएंगे। तो यहाँ पर ऊपर की साइड से मैं पजामे की बेल्ट का निशान लगाऊंगी। तो जो हम यहाँ पर हम 2 इंच पर ऐसे निशान लगाएंगे, और 2 इंच पर यहाँ पर भी, और इन दोनों निशानों को आपस में मिला देंगे। ये हमारे पजामे की बेल्ट का निशान लग चुका है। अब हम पजामे की लेंथ का निशान लगाएंगे। तो जो हमारी लंबाई है वो है 36 इंच, तो हम 36 पर निशान लगाएंगे। आप अपने अकॉर्डिंग जितनी लेंथ का पहनना चाहते हैं उतनी लंबाई ले सकते हैं। मैं यहाँ पर 36 पर निशान लगाऊंगी, और दूसरी साइड पर भी मैं 36 पर ही निशान लगाऊंगी। इस तरह से निशान लगाने से क्या होता है, आपका निशान कभी भी टेढ़ा नहीं होगा, इसलिए हमेशा दोनों साइड से ही निशान लगाकर निशान लगाएं। और अब इन दोनों को हमें ऐसे आपस में मिला देना है। ये हमारी लेंथ का निशान लग गया है। अब जो हमारे पजामे का बॉटम होगा, उसकी फोल्डिंग का हम निशान लगाएंगे, मार्जिन का यानी। तो मैं यहाँ पर ये 1.5 इंच पर निशान लगा रही हूँ पजामे की बॉटम की फोल्डिंग का। और अब इन दोनों निशानों को भी हमें आपस में मिला देना है। ये हमारी बेल्ट है, और ये नीचे बॉटम का फोल्ड का निशान, और ये हमारी लेंथ का निशान लग चुका है। अब हम कमर का निशान लगाएंगे। तो जो कमर का निशान है वो हम हमेशा हिप के अकॉर्डिंग लगाते हैं। तो जो हमारी हिप है वो है 40 इंच, यानी कि 40 इंच, तो उसका हम 1/4 करेंगे, तो उसका हमारा 1/4 हिस्सा 10 आएगा। तो मैं यहाँ पर 10 पर निशान लगा रही हूँ, और उसमें हमें 2 इंच प्लस करना है। तो यहाँ पर मैं 2 इंच और प्लस कर दूंगी, तो ये पूरा हमारा 12 इंच आ रहा है। अब 12 इंच ही हमें यहाँ पर निशान लगाना है, और अब इन दोनों निशानों को हमें आपस में मिला देना है। अब हम कमर की चौड़ाई का निशान लगाएंगे, तो वो भी हम हिप के अकॉर्डिंग ही 1/4 करके लगाएंगे, यानी कि 10। तो यहाँ पर हम 10, और उसमें भी हमें 2 इंच प्लस करना है, तो ये 12 आ गया। तो 12 इंच ही हमें यहाँ पर भी निशान लगाना है, और अब इन दोनों निशानों को हम आपस में मिला देंगे। और अब हम क्रोच एरिया का निशान लगाएंगे। यहाँ पर जो हमारा क्रोच एरिया होता है, तो उसके लिए मैंने यहाँ पर 2 इंच पर ऐसे निशान लगाया है, और अब यहाँ से हमें 1 इंच पर निशान लगाना है। और अब इस 1 इंच के निशान के अकॉर्डिंग ही हमें इस पर ऐसे गोलाई दे देनी है। ये हमारे क्रोच एरिया का निशान लग गया है। अब क्रोच एरिया का निशान को छोड़कर यहाँ से यहाँ तक हमें देखना है कि हमारा कितना इंच आ रहा है। तो 12 इंच आ रहा है, तो यहाँ पर हम मिड पॉइंट पर निशान लगाएंगे, यानी कि 6 इंच पर, और यहाँ पर भी हम 6 इंच पर ही निशान लगाएंगे नीचे बॉटम पर। और अब इन दोनों निशानों को हमें आपस में मिला देना है। इन दोनों निशानों को हमें आपस में मिला देना है। अब हम नीचे पजामे के बॉटम का निशान लगाएंगे। तो जो बॉटम है हमारा वो है 8 इंच का, तो इस बीच वाले निशान से हमें 4 इंच इस साइड और 4 इंच इस साइड हमें निशान लगाना है, यानी कि पूरा 8 इंच हमारा निशान लग चुका है। और अब ये एक लेग शेपर लेना है हमें, और अब एक लेग शेपर को हम ऐसे क्रोच एरिया पर रखेंगे और नीचे बॉटम पर रखेंगे ऐसे, और ऐसे इसको हमें मार्क लगा देना है, देखिए ऐसे। और अब इस लेग शेपर को ऐसे पलटते हुए हमें इस ओर ऐसे मिलाते हुए निशान लगा देना है। ये हमारे पजामे के फ्रंट का निशान लग चुका है।
और अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। जैसे जैसे हमने निशान लगाए हैं हम एज इट इज़ वैसे ही कटिंग कर देंगे। इसमें हमें मार्जिन का निशान, मतलब मार्जिन के जो जो कपड़ा होता है, मार्जिन का कपड़ा हमें नहीं छोड़ना होता है क्योंकि ये हमारा फ्रंट साइड है। और अब जो हम इसकी बैक काटेंगे वो हम हमेशा 2 इंच एक्स्ट्रा रखते हैं, तो उसी में हमारा मार्जिन भी इंक्लूड हो जाता है। तो इसलिए हम जो फ्रंट साइड होता है उसमें कभी भी मार्जिन प्लस नहीं करते हैं। तो ये हमारे फ्रंट की कटिंग हो चुकी है। अब मैंने वैसे ही कपड़े को डबल फोल्ड में बिछा लिया है और उसके ऊपर हम फ्रंट जो हमने कटिंग की थी उसको हम बिछा देंगे। बट हम उसको ऊपर से हम थोड़े थोड़ा एक्स्ट्रा कपड़ा छोड़कर तब हम उसको रखेंगे उसके ऊपर। ऊपर से देखिए मैंने थोड़ा सा कपड़ा एक्स्ट्रा छोड़ा है और फिर मैंने उसको उस पर बिछा दिया है वैसे ही। अब हम यहाँ से 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। 2 इंच मैंने एक्स्ट्रा लेकर निशान लगा दिया है, देखिए। और अब यहाँ से भी हम 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे और ये ऊपर से भी हमें 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है। और अब इसे हम पहले वाले क्रोचेरिए से मिला देंगे, ये जो हमारा ऊपर वाला निशान है, क्योंकि यहाँ पर भी हमें क्रोचेरिए का निशान लगाना होगा। और ये 1 इंच हम यहाँ पर निशान लगाकर और इसको गुलाई दे देंगे, तो ये हमारे क्रोचेरिए का निशान लग गया है, देखिए ऐसे। और अब लेग शेपर की हेल्प से जैसे हमने पहले किया था वैसे ही हम इन वाले निशानों को भी मिला देंगे, 2 इंच एक्स्ट्रा वाले। ये देखिए अब जो हमारा बैक साइड, ये देखिए यहाँ पर मैंने 2 2 इंच एक्स्ट्रा पर निशान लगा दिया है, आप लोग देख सकते हैं। और अब जो हमारी बैक साइड होती है वो फ्रंट से हमारी हमेशा थोड़ी सी एक्स्ट्रा होती है, क्योंकि जो थोड़ा सा हैवी होता है हमें उसकी थोड़ी एक्स्ट्रा रखनी होती है ताकि जब हम बैठें तो वो खींचे ना, इस वजह से। तो मैं ऊपर की साइड से करीबन 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखूँगी। यहाँ पर आप 1 इंच या 1.5 इंच रख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं 1.5 इंच पर ऐसे निशान लगाऊंगी ऊपर की साइड। मुझे ये बैक साइड थोड़ी सी बड़ी रखनी है पीछे से, मैंने यहाँ पर 1.5 इंच पर निशान लगाया है। और यहाँ से ऐसे तिरछा रखते हुए उस 1.5 इंच वाले निशान को ऐसे मिला देना है ताकि जब हम बैठें तो ये पीछे से खींचे नहीं। जो थोड़ा हैवी होता है उसको हमेशा पीछे से थोड़ा एक्स्ट्रा रखना चाहिए। ये देखिए हमने निशान लगा दिया है ऐसे। और यहाँ से हम कोई भी एक्स्ट्रा नहीं लेते हैं। और अब हमारा ये पूरा निशान लग चुके हैं और अब हम इसकी कटिंग कर देंगे एज इट इज़, जैसे जैसे हमने निशान लगाए हैं। इस साइड से हमारा कोई भी एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं होता। अब हमें इसकी ऐसे कटिंग कर देनी है जहाँ जहाँ पर हमने निशान लगाए हैं। ये हमारे पजामे की कटिंग कंप्लीट हो चुकी है और अब हम पॉकेट के लिए निशान लगाएंगे। तो ये मैंने एक कपड़ा लिया है जिसको मैंने ऐसे डबल फोल्ड कर दिया है। डबल फोल्ड करने के बाद हमें अपनी पॉकेट की लेंथ का निशान लगाना है। तो जो हमारी पॉकेट की लेंथ है वो है 12 इंच, तो हम यहाँ पर 12 इंच पर निशान लगाएंगे। और इन दोनों निशानों को ऐसे लगाकर ये देखिए हमने 12 इंच पर ऐसे निशान लगा दिया है। और अब जो चौड़ाई है वो ली है हमने 6 इंच, तो यहाँ पर मैं 6 इंच पर ऐसे निशान लगाऊंगी। और ये नीचे की साइड से हमने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है, 7 इंच पर हमने ऐसे निशान लगाया है। और अब इन दोनों निशानों को भी हमें ऐसे मिला देना है। और अब यहाँ से 1 इंच पर ऐसे निशान लगाकर हम इसको गोलाई दे देंगे।
और अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। ये हमने इसकी कटिंग कर दी है, तो ये हमारी पॉकेट की कटिंग हो चुकी है। ये कुछ ऐसे दिखेगा। तो अब ये हमारे पजामे की कटिंग कंप्लीट हो चुकी है विथ पॉकेट। तो अब इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं इसकी स्टिचिंग दिखाऊंगी। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।